अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। ये डिबेट्स कराई जाती हैं कई सारे चैनल्स के द्वारा, जिसमें प्रेसिडेंट के अलावा जो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है वो दोनों आपस में डिबेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उन्हें करना ज़रूरी है, लेकिन हर बार जब भी अमेरिका में चुनाव होता है तब हमेशा ये डिबेट्स कराई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और कस्टमरी बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम लोग हिस्ट्री में जा कर के देखते हैं कि क्या पहले भी ऐसी डिबेट्स होती आई हैं या फिर ये अभी के टाइम की हैं। जो सबसे पहली डिबेट हुई थी वो हुई थी कैनेडी और निक्सन के बीच में 1960 में, जो कि पहली बार टीवी पर प्रसारित की गई थी और लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसे टीवी पर लाइव देखा था। उसके बाद में अगले 3 चुनावों तक कोई भी प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं हुई। उसके बाद फिर से 1976 में प्रेसिडेंट जेरल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर के बीच में ये डिबेट हुई और उसी दिन से लगातार हर बार इलेक्शन में ये डिबेट जो है होती आ रही है। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स जो होती है वो इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो सरकार का जो काम है वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, और जो पैसा है उसका ठीक से यूज़ कर रहा है या नहीं, उसको जानने के लिए और उससे कड़े सवाल करने के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट्स जो है काफ़ी अच्छा साधन होती है। इस डिबेट से ना सिर्फ जो अभी प्रेसिडेंट है उसका, बल्कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी भी मॉरल वैल्यूज़ और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ को परखा जा सकता है। और इसके अलावा जितने भी न्यूट्रल वोटर्स होते हैं जो कि अपनी साइड कभी भी चेंज कर सकते हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। जो किसी प्रकार की आइडियोलॉजी और पार्टी में बिलीव नहीं रखते हैं उनको भी इन प्रेसिडेंशियल डिबेट के माध्यम से उन तक अपनी बातों को पहुँचाया जा सकता है और उन्हें वोटर के रूप में निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में सिर्फ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज़, यानी कि जो मेन पार्टीज़ हैं अमेरिका की, उन्हें उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को लाया जाता है। जितनी भी और थर्ड पार्टी हैं उन सभी को एक्सक्लूडेड किया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहता है या फिर प्रेसिडेंट जो अभी करंट है वो नहीं चाहता है कि वो इस डिबेट में जाए तो वो मना भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं है 76 के बाद में, क्योंकि इसमें जाने से न सिर्फ आपको वोटर्स मिल पाएंगे बल्कि आप अपनी बात और अपनी आइडियोलॉजी को लोगों के सामने रख पाएंगे और उनके वोट्स को ले पाएंगे। हर चीज़ की तरह इसके भी कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज में मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और अपनी प्रेसिडेंसी है उसमें आपने जो जो काम किए हैं वो सब ये प्रेसिडेंट्स बता सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर कॉन्स ये हैं कि अगर ऐसे कुछ आपके काम नहीं हैं या फिर जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको लेकर के भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, और ऐसे में कई बार प्रेसिडेंट्स ये डिबेट्स को छोड़ करके भी चले जाते हैं। सिमिलरली उसी तरह से जो कैंडिडेट खड़ा होता है उससे भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसकी भी मॉरल वैल्यूज़ को परखा जाता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का कोई ख़ास फ़र्क वोटर्स पर पड़ता नहीं है, वोटर्स उन्हें ही वोट करते हैं जो जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हो और जिन्होंने सच में उनके लिए कुछ काम किया हो। और वैसे भी अमेरिकन पोल जो सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और प्राइमरी और कॉकसिस का जो सिस्टम है इसकी वजह से कई बार जो चीज़ें दिखती है वैसे रिजल्ट्स नहीं आते। जैसे कि पिछली बार जब ट्रंप और हेनरी में जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी जो वोट्स हैं उसकी वॉल्यूम हेनरी के पास में ज़्यादा थी, लेकिन जीत ट्रंप की हुई। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।